सो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को यूज करने के बाद आप अपने एंड्रॉइड फोन के वॉल्यूम को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका वॉल्यूम स्पीकर होता है वो बहुत ही कम सुनाई देता है और आपके जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं उनके बहुत ही ज्यादा स्पीकर से अच्छी आवाज आती है और आपका स्पीकर जो होता है बहुत ही कम आवाज देता है, तो आप उनके सामने क्या तो गिल्टी फील करने लगते हो और आपको बहुत बुरा लगता है कि यार मेरा ही स्पीकर ऐसा क्यों है। बाकी सारे फ्रेंड्स का तो स्पीकर अच्छा है, उनका भी उतना ही महंगा फोन है जितना मेरा महंगा फोन है। लेकिन आज जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपने फ्रेंड से भी ज्यादा बेहतरीन अपने स्पीकर को बना सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ आप अपने एंड्रॉइड फोन में करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम कर देना। सो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आप अपने फ्रेंड से पहले देख सको। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। आप अपने एंड्रॉइड फोन में आसानी तरीके से उसे डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो डाउनलोड करने में, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जब आप अपने फोन में डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूं। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करके यहाँ पे परमिशन दे देना है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन रहेगा तो यहाँ से हमें क्या कर देना, ऑन कर देना। यहाँ पे आपको पहले सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप जो बूस्ट ऑन बूट तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक मिल जाता है सो वॉल्यूम कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोल, इसे भी हमें क्या करना है, ऑन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बूस्ट तो हमें इसे कर देना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम अलाउ बूस्ट तो यहाँ पे आपको एक मैक्सिमम अलाउ बूस्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ये 100% तक मिलेगा। तो आप सोचोगे मैं डायरेक्ट 100% कर दूं तो मेरा फोन का स्पीकर बहुत ही ज्यादा स्पीड हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा सुनाई भी देने लगेगा, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत करना। इसमें भी क्या है, आपको कुछ समझदारी से यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे 40 ले लेना है, नहीं तो आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको 50 ले लेना है, उससे ज्यादा नहीं, 60 के नीचे ही रहना, ऊपर नहीं जाना है। फिर उसके बाद पहले क्या करना है, आपको सॉन्ग प्ले करना है, कोई वीडियोस वगैरह नॉर्मल वीडियो देखना है और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कितना तेज हुआ है, तो इससे ये पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर सकते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो, बट पहले थोड़ा सा करना, नहीं तो आपका वॉल्यूम स्पीकर अगर फट सकता है फिर आप मुझे बोलोगे। तो इसके लिए आप पहले हिसाब से करना, उसके बाद आप अपना जितना चाहो 100% भी कर सकते हो, लेकिन पहले तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से ही स्टार्ट करना है, ना कि डायरेक्ट 70-100 कर दो, इतना मत करना, फिर 60 के नीचे ही रहना। फिर उसके बाद आसानी तरीके से आपको जो भी करना है आप वहां पे कर सकते हो धीरे धीरे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ मैंने 40 ले लिया है। फिर उसके बाद बैक चले जाओगे, यहाँ पे आप बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 60 है, फिर इसको कम कर देना है वॉल्यूम को, यहाँ पे आपको वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर उसके बाद जो बूस्ट दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको बूस्ट दिया हुआ है इसे भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। तो इसे आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 के नीचे ही रखना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 20 रख देते हैं, इसे भी 20 के। फिर उसके बाद आपको एक बार क्या करना है, यहाँ पे आपका पूरा सेटअप हो चुका है, अब आपको एक बार क्या करना है, सॉन्ग प्ले करना है या कुछ भी आपको करना है, चेक करना है, जैसे कि ट्राई करना है कि कैसा हुआ है। तो आप एक बार ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसा हुआ है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर उस यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, फिर उसके बाद भी आप अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो आप लोगों की वॉल्यूम ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनते ना लाइक करना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन और नए ट्रिक के साथ।